खबर नया कोरोना बेहद घातक है और इससे जुड़ी हर खबर आज हम आपको बताएंगे। कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक रह सकती है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं अगले 100 दिन देश के लिए बेहद कठिन होने वाले हैं। हर्ड इम्यूनिटी और 70% लोगों के टीकाकरण से बच सकते हैं एक्सपर्ट का ये कहना, और कहना है कि 100 दिन तक नया कोरोना तबाही मचा सकता है। देश के अस्पतालों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 100 दिन से भी ज्यादा ये कोरोना अभी इसी तरीके से कहर बरपा सकता है। बहुत ही ज्यादा खुद को बचाकर रखने की जरूरत है इस वक्त, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। हर्ड इम्यूनिटी और 70% लोगों के टीकाकरण से ही इसे सिर्फ मात दी जा सकती है। तो देखिए कोरोना का ये नया स्ट्रेन वाकई में बहुत खतरनाक है और डराने वाले आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं। और अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहां पर ये जो वायरस है 100 दिन तक नया कोरोना तबाही भी मचा सकता है। कोविड 19 से जुड़ा बड़ा दावा यह है कि हवा से इस वक्त ये कोरोना का जो वायरस है ये फैल रहा है। तो देखिए मेडिकल जर्नल द लॉन्सेट का कोरोना पर ये बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि हवा के जरिए कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। लॉन्सेट ने ये कहा कि बंद घर या फिर ऑफिस में हवा से ये ज्यादा फैल रहा है और हवा से फैलने वाले कोरोना को काबू करना बेहद कठिन काम है। तो देखिए पहले एक ड्रॉप से कोरोना वायरस फैल रहा था जब पहले स्ट्रेन की हम बात करें, लेकिन अब ये जो स्ट्रेन है दूसरा स्ट्रेन वो वाकई में खतरनाक है क्योंकि ये वायरस अब हवा में फैल रहा है। इससे बच पाना अब लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बाहर निकलेंगे तो संक्रमण जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से फैलेगा। पहले लोगों के संपर्क में अगर आप कुछ देर के लिए आते हैं 9 से 10 मिनट के लिए तो संक्रमित होने के चांसेस थे, या फिर ड्रॉपलेट्स के संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा था, लेकिन ये हवा में बहुत तेजी से फैल रहा है और काफी देर तक ये रह रहा है, जिस वजह से अगर एक कमरे में कोई कोविड का पेशेंट है तो दूसरे कमरे में भी बहुत हद तक संभव है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो कोरोना संक्रमित हो सकता है। लेकिन देखिए हैरानी की बात यह है कि कोरोना महामारी एक साल से ज्यादा समय से कोहरा मचा रहा है, लेकिन किसी भी ये बात नहीं पता कि आखिर ये वायरस इतना तेजी से क्यों फैला। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई है उससे यही लग रहा है कि वायरस अभी आने वाले दिनों में और तबाही मचाने वाला है, और जब कोरोना को लेकर के अब ये दावा किया जा रहा है कि ये हवा से फैल रहा है तो ये और भी ज्यादा डरा देने वाले चौंकाने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पूरा हाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरी लहर में मौत का तांडव। कातिल कोरोना का हवाई हमला। ना तो किसी सरकार ने सोचा था और ना ही किसी देशवासी ने कि अप्रैल 2021 के महीने में कोरोना का नया वायरस इतनी घातक तबाही मचाएगा। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। दूसरी लहर में कोरोना का नया वायरस बच्चे बूढ़े और जवानों को बुरी तरह से मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन
नया कोरोना वायरस हर दिन लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 2,34,692 लोग संक्रमित हुए, जबकि 24 घंटे में 1,341 मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों को देख करके सवाल उठता है कि आखिर भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतना भीषण मौत का तांडव कैसे मचा रही है, और क्या सरकारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स को नहीं पता था कि ये कोरोना किस तरह से फैल रहा है। अगर हम कहें हाँ, सरकारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स को नहीं पता था कि नया कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, तो ये दावा एक तरह से सही है। क्योंकि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लॉसेंट में छपी एक स्टडी में इस बात का दावा कर दिया गया है कि ज्यादातर कोरोना का ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है। इस दावे को साबित करने के लिए स्टडी में 10 कारण दिए गए। स्टडी में बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है बजाय बूंदों के। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच में ट्रांसमिशन देखा गया, बिना एक दूसरे के कमरे में गए। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन, जिन्हें खांसी या छींक नहीं आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम एक तिहाई मामले हैं। और दुनिया भर में वायरस फैलने का ये एक बड़ा जरिया है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की बात को बल मिलता है। स्टडी में ये भी कहा गया है कि बोलते वक्त हजारों पार्टिकल पैदा होते हैं और कई बड़ी बूंदें, जिससे हवा के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है, जहां कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कई नियमों जैसे कि पीपीई तक का पालन किया जाता है। हालांकि एरियोसोल से बचने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रमण हालात में रहता है। COVID-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि हवा में वायरस का सैंपल इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए तकनीकी कमियां होती हैं और वायरस को लैब तक लाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए खसरे और टीबी का उदाहरण भी दिया गया, जो फैलती हवा से है, लेकिन लैब में इन्हें कमरे की हवा से लेकर कल्चर नहीं किया जा सकता। अस्पतालों और COVID-19 के मरीजों वाली इमारतों के एरियल फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जो सिर्फ हवा के रास्ते पहुंच सकते हैं। अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है, जो एयर डक्ट यानी कि हवा के रास्तों से ही जुड़े थे। हवा से वायरस नहीं फैलता, ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं। मेडिकल जर्नल द लॉसेंट रिपोर्ट को अगर आसान भाषा में कहें तो इस वक्त कोरोना का नया वायरस हिंदुस्तान पर हवाई हमला कर रहा है, यानी कोरोना हवा में घुल गया है और ये आसानी से लाखों लोगों को संक्रमित हर दिन कर रहा है। और इसी वजह से शमशान घाट से लेकर के कब्रिस्तान तक लाशों का अंबार लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।